महाराष्ट्र में जहां कुछ दिनों से कोरोना पर लगाम कसती सी महसूस हो रही थी, वहीं राज्य में एक बार फिर कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती दिखी है। बीते 24 घंटे में राज्य में 237 नए मरीज दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही साथ पिछले 24 घंटे में दो मरीज की मौत भी हुई है। वहीं 24 घंटों में राज्य में 455 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। फिलहाल राज्य की मृत्यु दर 1.82% है। वहीं राज्य में अब तक 77,21,365 मरीज कोरोना से उभर चुके हैं। नतीजन राज्य में ठीक होने की दर फिलहाल 98.10% है। वहीं राज्य में अब तक 7,87,94,179 कोरोना परीक्षण किए जा चुके हैं। इसके साथ ही राज्य में फिलहाल 2,075 एक्टिव मरीज हैं। वहीं सबसे ज्यादा एक्टिव मरीज मुंबई में है, यहां फिलहाल 334 एक्टिव मरीज हैं। इसके साथ ही अगर देश की बात करें तो बीते 24 घंटे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में 2,876 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही इस घातक महामारी के मामलों की कुल संख्या 4,29,98,938 हो गई है, जबकि फिलहाल एक्टिव मामले 32,811 हो गए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में 98 मौतों के साथ मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,16,072 हो गई है। कोरोना से जुड़ी हर खबर को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।